परिचय देखो बेटा यह कुतुब मीनार है क्या तुम जानते हो यह कितनी ऊंची है नहीं पिताजी ठीक है मैं तुम्हें बताता दशमलव पांच मीटर ऊंची है हम किसी इमारत की ऊंचाई का पता कैसे लगा सकते हैं पिताजी हम त्रिकोण मिति का उपयोग करके उसकी ऊंचाई का पता लगा सकते हैं यह एक त्रिभुज की भुजाओं को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली गणित की एक शाखा है पिताजी क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं हां अवश्य क्यों नहीं इस पाठ में आप सीखेंगे कि त्रिभुजों सहित जमितीय समस्याओं को कैसे हल उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे डिग्री और रेडियन में कोण को मापना कोणों को डिग्री से रेडियन तथा रेडियन से डिग्री में बदलना त्रिकोणमितीय फलनों का उपयोग करके ज्यामितीय समस्याओं को हल करना त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करना कोण कोण क्या है चलिए एक समतल में तीर की दिशा में एक पराक्रमी रेखा को ओ एक्स से शुरू करते हुए उसके अंत बिंदु ओ के आसपास घुमाते हैं तथा स्थिति ओपी प्राप्त करते हैं तब इसे एक कोण एक्स ओपी कहा जाता है यहाँ ओ एक्स प्रारंभिक स्थिति है तथा ओपी अंतिम स्थिति है नियत बिंदु ओ है जो शीर्ष बिंदु कहलाता है एक कोण को धनात्मक कहा जाता है यदि इसे घड़ी की विपरीत दिशा में वामावर्त घूमती हुई रेखा से प्राप्त किया जाए तथा ऋणात्मक तब कहा जाता है यदि इसे घड़ी की दिशा में यानी दक्षिणावर्त घूमती हुई रेखा द्वारा प्राप्त किया जाए कोण डिग्री को कैसे मापते हैं डिग्री का उपयोग कोणों को मापने के लिए किया जाता है एक डिग्री एक परिक्रमण का एक बटे तीन सौ साठवां भाग होता है एक डिग्री को साठ मिनटों में विभाजित किया गया है अर्थात एक डिग्री बराबर साठ मिनट एक मिनट को साठ सेकेंडों में विभाजित किया गया है अर्थात एक मिनट बराबर साठ सेकेंड एक पूर्ण परिक्रमण में तीन सौ साठ डिग्री होते हैं एक पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है आधा वृत्त 180 डिग्री का होता है रेडियन को कैसे मापते हैं रेडियन वृत्त के केंद्र में एक चाप द्वारा बनाया गया कोण है जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर होती है माना कि आर त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र ओ है एक चाप ए बराबर आर काटा गया है तब कोण एओ बराबर एक रेडियन है आर इकाई की त्रिज्या वाले एक वृत्त का परिमाप दो पाई गुणे आर है इस प्रकार प्रारंभिक पक्ष का एक पूर्ण परिक्रमण दो पाई रेडियन का एक कोण कक्षांतरित करता है यदि त्रिज्या बराबर एक इकाई हो यदि हम एल लंबाई का एक चाप खींचते हैं तो यह एक कोण कक्षांतरित करेगा जो एक बटे आर के बराबर होगा जहां आर वृत्त की त्रिज्या है तथा इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं एल बराबर आर गुणे थीटा कोण रेडियन एवं वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध रेडियन माप तथा वास्तविक संख्याओं को एक तथा समान माना जा सकता है डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध दो पाई रेडियन बराबर तीन सौ डिग्री पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री पाई का मान 22 बटे साथ है हम प्राप्त कर सकते हैं कि एक रेडियन बराबर सत्तावन डिग्री 16 मिनट तथा एक डिग्री बराबर शून्य दशमलव शून्य एक सात चार रेडियन उदाहरण एक सम अष्टभुज के कोणों को रेडियन में व्यक्त कीजिए हल एन भुजाओं वाले एक सम बहुभुज के अंत कोणों का योगफल बराबर दो एन ऋण चार लंबकोण है एन भुजाओं वाले एक सम बहुभुज के अंत कोण दो चार बटे एन लंबकोण है एक अष्टभुज में आठ भुजाएं होती हैं एक सम अष्टभुज का अंत कोण दो गुणे आठ ऋण चार बटे आठ लंबकोण है इसके बराबर तीन बटे दो लंब कोण बराबर तीन बटे दो गुणे नब्बे बराबर एक सौ पैंतीस डिग्री एक सौ अस्सी डिग्री बराबर पाई रेडियन एक सौ पैंतीस डिग्री बराबर पाई बटे एक सौ अस्सी डिग्री गुणे एक सौ पैंतीस रेडियन बराबर तीन पाई बटे चार रेडियन उदाहरण कोण ऋण 37 डिग्री तीस मिनट को रेडियन माप में व्यक्त कीजिए हल जैसा कि हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन दिया गया है कोण डिग्री में बराबर है ऋण 37 डिग्री तीस मिनट के जो कि बराबर है सैतीस 30 बटे साठ के घटाव के जो कि हल करने पर घटा 37.5 दशमलव पांच प्राप्त होगा रेडियन में इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन ऋण सैतीस दशमलव पांच डिग्री बराबर ऋण पाई बटे 180 सौ अस्सी गुणे सैंतीस दशमलव पांच रेडियन बराबर ऋण पांच पाई बटे 24 रेडियन त्रिकोणमितीय फलन माना कि एक पराक्रमी रेखा को ओ एक्स से शुरू करके प्राप्त किया गया एक कोण एक्स ओपी बराबर किन्हीं भी चार वृत्तीय पदों में थीटा है माना कि एम एक एक्स डैश पर पी से कोई लंब पाद है निर्दिष्ट लंबाई के रूप में OM तथा MP के संदर्भ में ओ एम एम पी तथा op के एक दूसरे से अनुपात कोण थीटा के वृत्तीय फलन या त्रिकोण अनुपात कहलाते हैं माना कि ओ एम बराबर एक्स है एम पी बराबर वाई तथा ओपी बराबर आर जहां आर शून्य से बड़ा है हम विभिन्न वृत्तीय फलनों को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं बटे ओपी वाई बटे आर थीटा का साइन कहलाता है जिसे साइन थीटा के रूप में लिखा जाता है ओ एम बटे ओपी बराबर एक्स बटे आर थीटा का कोसाइन कहलाता है जिसे कॉस थीटा के रूप में लिखा जाता है एम पी बटे ओ एम बराबर वाई बटे एक्स जहां एक्स शून्य के बराबर नहीं है थीटा का टैंजेंट कहलाता है जिसे टेन थीटा के रूप में लिखा जाता है ओ एम बटे एम पी बराबर एक्स बटे वाई जहां वाई शून्य के बराबर नहीं है थीटा का को कहलाता है जिसे कॉड थीटा के रूप में लिखा जाता है ओपी बटे ओ एम बराबर आर बटे एक्स जहां x शून्य के बराबर नहीं है थीटा का सेकेंट कहलाता है जिसे सेक थीटा के रूप में लिखा जाता है ओपी बटे एमपी बराबर आर बटे वाई जहां वाई शून्य के बराबर नहीं है थीटा का को कहलाता है जिसे कोसेक थीटा के रूप में लिखा जाता है टी अनुपातों की परिभाषा से हमारे पास है थीटा का कोसेक बराबर एक बटे थीटा का साइन थीटा का साइन शून्य के बराबर नहीं है थीटा का सेक बराबर एक बटे थीटा का थीटा का शून्य के बराबर नहीं है थीटा थीटा का का बराबर बटे थीटा का साइन थीटा का साइन शून्य के बराबर नहीं है थीटा का टैन बराबर थीटा का साइन बटे थीटा का कॉस थीटा का कॉस शून्य के बराबर नहीं है त्रिकोणमितीय फलन टी अनुपातों के तीन मूलभूत संबंध एक थीटा का साइन वर्ग धन थीटा का वर्ग बराबर एक। दो थीटा का सेक वर्ग बराबर एक धन थीटा का टैन वर्ग तीन थीटा का कोसेक वर्ग बराबर एक धन थीटा का वर्ग यदि थीटा का साइन बराबर शून्य तब इसका मतलब है कि थीटा बराबर एन गुणे पाई जहां एन कोई पूर्णांक है यदि थीटा का कॉस बराबर शून्य तब इसका मतलब है कि थीटा बराबर दो एन धन एक गुणे पाई बटे दो जहां एन कोई पूर्णांक है त्रिकोणमितीय फलन तीन मूलभूत त्रिकोणमितीय फलनों के मान निम्न हैं। त्रिकोण मितीय फलन चार वृत्तीय पादों यानी चतुर्थाशों को चित्र में दिखाया गया है पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक हैं। द्वितीय चतुर्थांश में साइन तथा कोसेक धनात्मक है तृतीय चतुर्थांश में टेंजेंट तथा कोटेंजेंट धनात्मक है चतुर्थ चतुर्थांश में कोसाइन तथा सिकेंट धनात्मक है याद करने के लिए सरल नियम है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज उपयुक्त वाक्य में ए का अर्थ ऑल होता है एस का अर्थ साइन होता है टी का अर्थ टेन होता है तथा सी का अर्थ कॉस होता है संबंधित वृत्त पदों में इन अनुपातों का व्युतक्रम भी धनात्मक ही होता है त्रिकोणमितीय फलन नीचे दी गई तालिका में सभी टी अनुपातों के चिन्ह प्रत्येक चतुर्थांश में दिए गए हैं त्रिकोणमितीय फलन त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत यानी डोमेन तथा परिसर जैसा कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि कोण को एक वास्तविक संख्या के रूप में माना जा सकता है अतः हम कोड़ को एक्स से दर्शाते हैं न कि थीटा से साइन फलन साइन फलन के लिए परिसर ऋण एक से एक है साइन फलन में एक्स के समस्त मान हैं, अतः इसका डोमेन वास्तविक संख्या आर का समुच्चय है कोसाइन कोसाइन फलन फलन के लिए परिसर ऋण एक से एक है कोसाइन फलन में एक्स के समस्त मान है अतः इसका डोमेन वास्तविक संख्या आर का समुच्चय है टेंजेंट फलन टेंजेंट के लिए परिसर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्च है वाई का डोमेन बराबर एक्स का टैन एक समुच्च है एक्स वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है X और दो, एन धन एक, गुणा पाई दो के बराबर नहीं है जहां एन कोई पूर्णांक है। हैसेकेंड को फलन कोसेकेंड फलन के लिए परिसर एक समुच्चय है वाई वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है वाई एक से बड़ा है अथवा बराबर है या वाई ऋण एक से छोटा है अथवा बराबर है वाई का डोमेन बराबर एक्स का कोसेक एक समुच्चय है एक्स वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है एक्स एन गुणा पाई के बराबर नहीं है जहां एन कोई पूर्णांक है सेकेंड फलन सेकेंड फलन के लिए परिसर एक समुच्चय है वाई वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है वाई ऋण एक से छोटा है अथवा बराबर है या वाई एक से बड़ा है अथवा बराबर है वाई का डोमेन बराबर एक्स का सेक एक समुच्चय है एक्स वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है एक्स और दो एन धन एक पाई बटे दो के बराबर नहीं है जहां एन कोई पूर्णांक है कोटेंजेंट फलन को टेंजेंट फलन के लिए परिसर सभी वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है वाई का डोमेन बराबर एक्स का कॉट एक समुच्चय है एक्स वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है एक्स एन गुणा पाई के बराबर नहीं है जहां एन कोई पूर्णांक है उदाहरण यदि थीटा का सेक बराबर वर्गमूल दो और तीन गुणा पाई बटे दो छोटा है थीटा छोटा है दो से पाई है तब एक धन थीटा का टैन धन थीटा का कोसेक बटे एक धन थीटा का कॉट, ऋण थीटा का, का मान ज्ञात कीजिए हल थीटा का सेक बराबर वर्ग मूल दो थीटा का कॉस बराबर एक बटे थीटा का सेक बराबर एक बटे वर्ग मूल दो थीटा का साइन वर्ग बराबर एक ऋण थीटा का कॉस वर्ग बराबर एक ऋण एक बटे दो बराबर एक बटे दो इस प्रकार थीटा का साइन बराबर धन एक बटे वर्ग मूल दो अब तीन गुणा पाई बटे दो थीटा से छोटा है थीटा दो गुणा पाई से छोटा है जो यह बताता है कि थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में निहित है जिसका मतलब है कि साइन थीटा ऋणात्मक है थीटा का साइन बराबर ऋण एक बटे वर्ग मूल दो थीटा का टैन बराबर थीटा का साइन बटे थीटा का बराबर, एक बटे वर्ग मूल दो बटे बटे एक वर्ग मूल दो बराबर ऋण एक थीटा का कॉट बराबर एक बटे थीटा का टैन बराबर ऋण एक तथा थीटा का कोसेक बराबर एक बटे थीटा का साइन बराबर एक बटे ऋण एक बटे वर्गमूल दो बराबर ऋण वर्ग मूल दो अब एक धन थीटा का टैन धन थीटा का कोसेक बटे एक धन थीटा का कॉट ऋण थीटा का कोसेक बराबर एक धन दन्रिन्रिन ऋण एक धन ऋण वर्ग मूल दो बटे एक धन ऋण एक ऋण ऋण वर्गमूल दो बराबर ऋण वर्गमूल दो बटे वर्गमूल दो बराबर ऋण एक उदाहरण यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है तब इस समीकरण चार थीटा का कॉस वर्ग ऋण चार थीटा का साइन बराबर एक को हल कीजिए हल चार थीटा का कॉस वर्ग ऋण चार थीटा का साइन बराबर एक या चार गुणे एक ऋण थीटा का साइन वर्ग ऋण चार थीटा का साइन बराबर एक या चार थीटा का साइन वर्ग धन चार थीटा का साइन ऋण तीन बराबर शून्य जो कि थीटा के साइन में एक द्विघातीय समीकरण है थीटा का साइन बराबर ऋण चार धन ऋण वर्ग मूल चार वर्ग ऋण चार गुणे चार गुणे ऋण तीन बटे दो गुणे चार बराबर ऋण चार धन ऋण आठ बटे आठ बराबर एक बटे दो या ऋण तीन बटे दो जैसा कि थीटा का साइन संख्यानुसार एक से छोटा या बराबर है इस प्रकार थीटा का साइन बराबर ऋण तीन बटे दो असंभव है इसलिए थीटा का साइन बराबर एक बटे दो बराबर तीस डिग्री का साइन अतः थीटा बराबर तीस डिग्री उदाहरण अन्य पांच त्रिकोण फलनों के मान ज्ञात कीजिए यदि थीटा का टैन बराबर तीन बटे चार है वह थीटा तृतीय चतुर्थांश में है। हल, थीटा तृतीय चतुर्थांश में है तथा तृतीय चतुर्थांश में टैन थीटा और कॉट थीटा धनात्मक है तथा साइन थीटा थीटा सेक् थीटा तथा कोसेक् थीटा ऋणात्मक है थीटा का टैन बराबर तीन बटे चार यह बताता है कि थीटा का कॉट बराबर एक बटे थीटा का टैन बराबर चार बटे तीन थीटा का सेक वर्ग बराबर एक धन थीटा का टैन वर्ग बराबर एक धन तीन बटे चार का वर्ग बराबर एक धन नौ बटे सोलह बराबर पच्चीस बटे सोलह यह बताता है कि थीटा का सेक बराबर ऋण पांच बटे चार इसका मतलब है का का थीटा का कॉस बराबर ऋण चार बटे पांच थीटा का साइन वर्ग बराबर एक ऋण थीटा का कॉस वर्ग बराबर बराबर एक बटे बटे पच्चीस पच्चीस। नौ यह बताता है कि थीटा का साइन बराबर ऋण तीन बटे पांच इसका मतलब थीटा का कोसेक बराबर ऋण पांच बटे तीन दो कोड़ों के योगफल तथा अंतर के त्रिकोण मितीय फलन योगफल के सूत्र निम्न है अंतर के सूत्र निम्न है कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्न है असाधारण दृष्टिकोण निम्न है उदाहरण सिद्ध करें कि 75 डिग्री का साइन बराबर वर्गमूल छ वर्गमूल दो बटे चार है हल 75 डिग्री का साइन बराबर 45 डिग्री धन 30 डिग्री का साइन अर्थात साइन 45 डिग्री गुणे कॉस 30 डिग्री धन कॉस पैतालीस डिग्री गुणे साइन साइंतीस डिग्री हल करने पर हमें प्राप्त होता है वर्गमूल धन वर्गमूल दो बटे चार उदाहरण पंद्रह डिग्री का कॉस का मान ज्ञात कीजिए हल पंद्रह डिग्री का कॉस बराबर पैतालीस डिग्री ऋण तीस डिग्री का कॉस अर्थात कॉस पैतालीस डिग्री गुड़े कॉस तीस डिग्री धन साइन पैतालीस डिग्री गुड़े साइन तीस डिग्री बराबर एक बटे वर्गमूल दो गुड़े वर्गमूल तीन बटे दो धन एक बटे वर्ग मूल दो गुड़े एक बटे दो बराबर एक बटे वर्गमूल दो गुड़े वर्गमूल तीन बटे दो धन एक बटे दो बराबर एक बटे दो वर्गमूल दो गुड़े वर्गमूल तीन धन एक त्रिकोणमितीय समीकरण त्रिकोणमितीय फलनों सहित एक चर का समीकरण त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है त्रिकोणमितीय समीकरण का हल जिसके लिए शून्य x से छोटा या बराबर है वह x दो गुणा पाई से छोटा है प्रमुख हल कहलाता है नीचे दिया गया चित्र त्रिकोण समीकरण को दिखाता है प्रमेय एक किन्हीं वास्तविक संख्याओं एक्स तथा वाई का साइन बताता है घात एन वाई जहां एन कोई पूर्णांक है प्रमेय दो किन्हीं भी वास्तविक संख्याओं एक्स तथा वाई के लिए एक्स का कॉस बराबर वाई का कॉस बताता है कि एक्स बराबर दो एन पाई धन ऋण वाई जहां एन कोई पूर्णांक है प्रमेय तीन यदि एक्स तथा वाई पाई बटे दो के विषम गुणज न हो तब एक्स का टैन बराबर वाई का टैन बताता है कि एक्स बराबर एन पाई धन वाई जहां एन कोई पूर्णांक है उदाहरण एक्स बराबर शून्य के लिए दो साइन एक्स ऋण एक बराबर शून्य को हल कीजिए हल हम बीज गणित की विधियों का उपयोग करते हुए साइन एक्स को हल कर सकते हैं हम तब एक्स ज्ञात करने के लिए अपने त्रिकोण ज्ञान का उपयोग करते हैं एक्स ऋण एक का दो साइन बराबर शून्य एक्स का दो साइन बराबर एक एक्स का साइन बराबर एक बटे दो साइन एक्स बराबर एक बटे दो एक्स का निर्देश कोण तीस डिग्री है जैसे कि एक बटे दो एक धनात्मक संख्या है तथा चतुर्थ एक व चतुर्थांश दो में साइन फलन धनात्मक है तब एक्स तीस डिग्री या एक सौ पचास डिग्री होना चाहिए क्या आप जानते हैं त्रिकोणमितीय मितीय फलन साइन ज्या और कोसाइन कोज्या प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभ्ट द्वारा शुरू किए गए थे कोडों में प्रारंभिक अर्धरेखा तथा अंतिम अर्धरेखा की एक स्थिति है ऐसे कोडों को सह टर्मिनल के कोण कहा जाता है साइन कॉस तथा टैन गुणक नहीं है सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कोण उसके प्रारंभिक बिंदु के चारों ओर एक दी गई अर्थरेखा के घूर्णन की एक माप है रेडियन मापन बराबर पाई बटे 180 डिग्री डिग्री मापन बराबर 180 बटे पाई रेडियन थीटा का साइन वर्ग धन थीटा का वर्ग बराबर एक थीटा का सेक वर्ग बराबर एक धन थीटा का टेन वर्ग थीटा का कोसेक वर्ग बराबर एक धन टा का वर्ग पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक हैं, द्वितीय चतुर्थांश में साइन तथा कोसेक धनात्मक हैं तृतीय चतुर्थांश में तथा टेंजेंट तथा कोटेंजेंट धनात्मक हैं, चतुर्थ चतुर्थांश में कोसाइन तथा सेकेंट धनात्मक हैं, त्रिकोणमितीय फलनों सहित एक चर का समीकरण त्रिकोण समीकरण कहलाता है एक त्रिकोण समीकरण का हल जिसके लिए शून्य एक से छोटा या बराबर है मुख्य हल कहलाता है